एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो आज मैंने ऑफ ले रखा है और क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने, बहुत दिन हो गया। रिपोर्ट भी मतलब चेकअप करवाया लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि मम्मी को छोड़ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मतलब नहीं हो पाया। तो आज सोच रही हूँ कि एम्स जाना है, देखती हूँ। डॉक्टर तो मेरे जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं क्लिनिक में देखूंगा, क्लिनिक में 1 बजे देखते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10, जिसमें से मैंने झाड़ू तुरक लगा लिया है। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय बना के पी लूँ, आज छुट्टी है तो, और फटाफट काम करते हैं। झाड़ू लगा लिए, पोछा लगाऊंगी, बर्तन अरे कपड़ा धोने के लिए भिगो दिया है कपड़ा, तो कपड़ा धुलना है। सोच रही हूँ शाम को ही आके धोऊंगी, पहले डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। तो ऐसा करती हूँ कि मैं फटाफट ना आज छोले बनाने हैं, छोले बना लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ, कुछ खा लूँगी और खा के निकल जाऊँगी मैं दिखाने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मटर को थोड़ा सा धो रही थी और कुकर में रख दूँगी मैं बॉयल होने के लिए। साथ ही कुछ बर्तन थे वो भी धुल लिया मैंने, और इसमें मैं डाल दूँगी पानी थोड़ा सा जो कि आरो का मैं ले रही थी, और उसमें हल्दी थोड़ा सा डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। डालने के बाद उसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी, दो सीटी लगेगी, काफ़ी रहेगा इतना। तो वही मैं बोल रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रखने के बाद इस तरीके से कुछ हो गया था, फिर मुझे लगा हल्दी कम है, थोड़ा सा और डाला मैंने और यहाँ पे बंद करके रख दिया था। ड्राई फ्रूट रात का मैंने भिगो के रखा था। तो यहाँ पे मेरा रेडी हो गया आमलेट और ये चाय, सब्जी वो मसाला मैंने पीस के रख दिया, बॉयल हो रहे हैं मेरे छोले। तो जब तक होंगे खाऊंगी पीऊँगी तब तक हो जाएंगे, देन बना फटाफट बनाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, कपड़े धुलूंगी, निकल जाऊंगी एम्स के लिए। देखते हैं यार, एक दिन की भी राहत नहीं है। मुझे लग रहा है इतना काम करके मैं थक ना जाऊं, एम्स का प्लान कैंसिल ना हो जाए, डर लग रहा है। देखते हैं, ऑफिस जाना पड़ेगा। हे भगवान, खाना बना बना के तैयारी कर रही थी एम से निकलूंगी, तब तक फोन आ गया। क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा, जाना पड़ेगा, जाऊंगी, बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। चलो फटाफट खाना किचन में देखा था। यार ये छोला उबाल दिया है, ये मसाला हो रहा है, आज फिर मैं एम्स जाते जाते रह गई। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा जो डॉक्टर जो मुझे देखते हैं वो थर्सडे को ही बैठते हैं, तो इस वजह से वो मुझे नॉर्मली जो होता है ना अपॉइंटमेंट, नए नए लोग न्यू पेशेंट होते हैं देखते, उसमें नहीं देखते, बोलते हैं आप क्लिनिक पर आना, क्योंकि ग्लूटन की प्रॉब्लम है तो ग्लूटन वाले जो होते हैं मतलब कि क्लिनिक में ही दिखाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, और आज भी मैं रह गई दिखाते दिखाते। मुझे पता है मैं नहीं दिखा पाऊँगी, ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन यार थोड़ा टेंशन तो हो रही थी ना क्योंकि 6 महीने हो गए, तो देखते हैं कब अब मुहूर्त बनता है। फाइनली फटाफट निकलूँगी मैं ऑफिस के लिए। लो करती हूँ, पक जाए आराम से छोला, तब तक पोछा लगा लूँ, फिर नहाऊँगी, फिर रेडी होंगी, फिर निकलूँगी, खाना खाऊँगी थोड़ा सा, फिर निकलूँगी। चलो मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद, या फिर झाड़ू पोछा लगा के रेडी उडी उतने टाइम मिलूँगी। तो यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ और अब मैं पहनूँगी कह रही हूँ, मैंने ये पहना है 1 पीस, और तैयार होना है, जाना है। इससे पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ, नहा के उठो ना, प्यास बहुत तेज़ लगती है, पूजा करना है यार।
बहुत सारे काम हैं। सोचे थे जल्दी फटाफट काम करके एम से निकलूंगी, टाइम भी हो गया था अच्छा खासा, 12 बजे मैं तैयार होके निकल जाती, सब काम हो गया था, निकलती 1 घंटे पहुंच जाती, 1 बजे क्लिनिक में डॉक्टर देखते हो जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, पूजा पाठ करती हूँ, तैयार होती हूँ, निकलती हूँ ऑफिस के लिए। कभी कभी करना पड़ता है बिना मन के चीज़। चलो तो यहाँ अलमारी से मैं चुन्नी निकाल रही थी क्योंकि मुझे चुन्नी नहीं मिली थी और पूजा करने के लिए थोड़ा सर पे चुन्नी रखना जरूरी था, तो मुझे दिखा स्टॉल मेरा, मैंने कहा बस यही काफ़ी है तो स्टॉल ले लिया। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने अमेजोन पे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं फाइनली सरोजनी नगर जब गई थी तो मुझे ये ड्रेस दिखा था, तो मैंने इस तरीके के ड्रेस लिए हैं, मुझे गर्मी में जैसे घर पर पहनने के लिए अच्छा रहेगा, तो कहाँ बाहर ही जाना होता है तो घर के लिए अच्छा रहेगा, तो मैंने ये वन पीस वाला ड्रेस ले रखा था, ढीला डाला कॉटन का था, अच्छा है। और जो वहाँ पे 700-800 का अमेज़ोन पे दिख रहा था सरोजनी नगर में, मैंने देखा ये मुझे मिला है 250 रुपये का, 250-250 का मैंने दो लिया है। तो सरोजनी नगर तो फेमस ही है वहाँ अच्छे, मतलब लड़कियों के कपड़े के लिए, वहाँ पे बस लड़कियाँ 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 ही दिखती हैं, तो मैंने दो लेकर ले रखा था, एक ब्लू ले रखा, एक ये ऑरेंज कलर पिच कलर में ले रखा था, तो मैंने कहा मेरे को ऐसा अच्छा लगता है ड्रेस पहनना वैसे भी, तो मैं यहाँ पे वही डाल ली थी, फर्स्ट टाइम मैं ये ड्रेस डाल ली हूँ जब से लाई हूँ, क्योंकि वही है यार, आप देख सकते हो, आपको मेरे व्लॉग से पता चल रहा होगा कि कितना मुश्किल होता है मेरे लिए सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना, मम्मी थी तो थोड़ा आराम था, लेकिन अब बहुत ही मतलब ज़्यादा हो जाता है, जैसे एक होता है ना कि काम करना, लेकिन मैं अपने काम से भी ऊपर बढ़ के चीज़ें कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब प्रॉपर नींद भी नहीं ले पा रही हूँ, 6 घंटे की नींद मिल रही है उसमें भी मुझे मैनेज करना है, तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मम्मी से भी बात करना होता है, जब मैं नाश्ता करती हूँ ना तब वीडियो कॉल लगा के 1-2 मिनट बात कर लेती हूँ ताकि मम्मी को राहत हो जाए कि हाँ ये ठीक है, देख ले वो मुझे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और मैं सोची थी आज छुट्टी है, अच्छे से जिस दिन छुट्टी होती है अच्छे से पूजा करूँगी, लेकिन अब क्या करूँ, ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, इतना तो कर ही सकती हूँ कि धूप बत्ती दिखा के हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। और पूजा करने के बाद फटाफट मैं रेडी होंगी, फाइनली रेडी हो गई ऑफिस के लिए, थोड़ा सा छोला और चावल ये और छाछ ये होगा, दवाई खाऊंगी और दिन निकलूंगी। ये मैंने ब्लैक जीन्स और टॉप डाल रखा है, चलो खाना खा के तब मिलते हैं, थोड़ा मम्मी से बात कर लूँ वीडियो कॉल, बहुत कड़ी है इसलिए चेहरा बांध के निकल गए हैं बैग लेके, चलो जिम से आने के बाद नहा धो के थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन चाहिए होता, थोड़ा सा प्रोटीन लेने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ पंखे के नीचे, डेली की यही जिंदगी हो गई है। चलो थोड़ा सा मम्मी से बात कर लूँ, ऑफिस से आके भी बात नहीं की, ये देखना कैसा बाल हो गया, वही बाल जो बड़े हैं ना वो काले हो गए और ये वाले बाल कलरफुल वाले नीचे, सही है अच्छा हो जाएगा, सब बोल रहे थे ना बाल जैसे जैसे बढ़ेगा बहुत अच्छा कलर है। अब मेरे ऑफिस में अधिकतर मेरी जो फ्रेंड है ना बस यही कहती है कल्याणी तुम्हारे ना लंबे बाल मुझे देखने, वीडियो में देखती है ना सब, तो बोलती है कल्याणी तुम्हारे लंबे बाल हो जाएंगे ना तब तुम और खूबसूरत लगोगे, जब तक लंबे बाल होंगे मैं कहीं और ही चली जाऊँगी, 1 साल का एक्सपीरियंस लेके छोड़ूंगी, 1 साल की एक्सपीरियंस के बाद और अच्छी जॉब मिल जाएगी, थोड़ा और अर्न करूँगी अच्छे से, सही है ये देखो ऐसे।
चलो मिलती हूँ।